प्रताप वर्ल्ड स्कूल पठानकोट द्वारा देशभक्ति की नई मिसाल पैदा करते हुए 130 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस विशेष कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर जनरल सुरेश खजूरिया बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए, जिनका स्वागत स्कूल डायरेक्टर सनी महाजन और ओशिन महाजन द्वारा फूल गुलदस्ते भेंट कर किया गया। जानकारी देते हुए सनी महाजन ने बताया कि आज स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय सुरजीत महाजन जी के जन्म दिवस पर उन्हें याद करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये तिरंगा 130 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है, जो कि पूरे जिले में सबसे ज्यादा ऊंचाई में लगाया गया है। आज हम यहाँ पे प्रतापगढ़ स्कूल में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा भारतीय जो तिरंगा है 130 फुट पे लहरा रहा है। मुझे बड़े गर्व की महसूस हो रहा है इस समय कि हमारे जिला में और उस सदी में जब वहाँ के सब कुछ चेंज होता आ रहा है, प्रतापगढ़ स्कूल हर बार कोई ना कोई नई इन्वेंशन, कोई ना कोई पढ़ाई के तरीकों में एक नई चीज लेके आता है। आज जो इन्होंने फ्लैग लगाया है 130 फुट, ये खाली फ्लैग नहीं है, ये इन बच्चों में जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनमें राष्ट्रीयता की एक भावना को भी इतना ही ऊंचा उठाएगा। और ये बच्चे कल को बात करेंगे, जब हम पढ़ते थे तो प्रतापगढ़ स्कूल में ये चीजें हुई थी, उनमें से एक ये भी था कि उन्होंने एक नए नियम की नींव रखी है कि हमारे जिले में 130 फुट ऊंचा लहराता हुआ तिरंगा जो है दूर दूर तक दिखेगा। और मुझे पूरी आशा है कि प्रतापगढ़ स्कूल इसी प्रकार शिक्षा के जो शिक्षा संबंधी और गैर शिक्षा संबंधी गेम्स स्पोर्ट्स सब फील्ड में इसी प्रकार नई नई इन्वेंशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में है। धन्यवाद। स्कूल में जो 130 फीट हमारी आन बान शान है तिरंगा, आज प्रतापगढ़ स्कूल पठानकोट में 130 फीट ऊंचा भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है। मैं सभी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स को इसके लिए बधाई देना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय ध्वज तिरंगा जिसमें जो ऑरेंज कलर है वो डिपिक्ट करता है स्ट्रेंथ और करेज, व्हाइट कलर डिपिक्ट करता है पीस, और जिसमें जो धर्म चक्र है वो डिपिक्ट करता है ट्रुथ, और ग्रीन कलर डिपिक्ट करता है ग्रोथ और स्पीशियसनेस। इसी के साथ हम चाहेंगे कि हम आपस में भाईचारा बनाए रखें और इस भारतवर्ष को एक बेहतर देश बना सके। धन्यवाद। सर, आज प्रतापगढ़ स्कूल के श्री फाउंडर चेयरमैन श्री सुरजीत महाजन जी का 70th जन्मदिन बर्थडे मनाया जा रहा है स्कूल परिसर में, और ये भारतीय ध्वज जो 130 फीट ऊंचा पठानकोट जिले का सबसे ऊंचा भारतीय ध्वज यहाँ पे लहराया जा रहा है, ताकि संदेश है बच्चों को भी बड़ा सोचें, ऊंचा सोचें और आपस में भाईचारा भी बनाए रखें और देश के प्रति अपना पैट्रियोटिक एक फीवर, एक जनून बनाए हमेशा जोरदम से बनाए रखें। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऐसे ये फ्लैग लगाए जाते हैं स्कूल की ओर से, पीछे क्या सोच के लगाए गए? यही है कि जैसे छोटा सा बच्चा जब 2 साल का स्कूल परिसर में कदम रखता है तो अपनी विजन को अपने आइडियाज को बड़ा ऊंचा सोचे और बड़े बड़े जो उसके सपने हैं, बड़े सपने ले, उन सपनों को साकार करे, ये भी एक उद्देश्य है। और सभी इसी के बधाई के पात्र हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स। कितना समय? हाँ, इस झंडे को यहाँ लगाने में, बनाने में पूरा 3 महीने का प्रोसेस रहा, और गाजियाबाद से एक कंपनी थी जिनसे हमने कोलैबोरेट किया और भारतीय झंडे को यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए पूरा प्रोग्राम किया। हाँ, पूरे प्रबंध किए गए हैं, नेशनल प्रोटोकॉल ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया को पूरा फॉलो किया जाएगा, पूरा सम्मान दिया जाएगा भारतीय ध्वज को, और जो है वो पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। एक स्पेयर झंडा ऑलरेडी स्कूल परिसर में रखा गया है, इन केस को ऐसा इश्यू होता है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। झंडा हमेशा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद। नमस्कार। दुनिया की बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंगल एस्टेब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलारिया तोड़ा प्रात तोड़े दुख से हाजिर है। धन्यवाद।